सारा धन व्यक्तिगत संपत्ति है, हम इसको राष्ट्र की संपत्ति अगर बना सके तो 258 लाख करोड़ रुपए वापस मिलेगा, क्योंकि वो भारत में ही जमा हो सकता। आप बोलेंगे कौन करेगा इस काम को? इस काम को करने के लिए दो संस्थाएं हमारे देश में है, एक संस्था का नाम है सुप्रीम कोर्ट और दूसरी संस्था का नाम है संसद। सुप्रीम कोर्ट ये पैसे को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उस समय एक यूरिया घोटाला हुआ था, उसमें 133 कोटी रुपए को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया था और वो पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट था, वो सारा वापस भारत में आया था। तो हम सुप्रीम कोर्ट को अपील कर रहे हैं इस समय कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति है तो चारा घोटाले का भी है, बोफोर्स घोटाले का भी है, एनरॉन घोटाले का भी है, गेहूं घोटाले का भी है, घोटाला घोटाला सब एक, उसमें डिफ्रेंशिएशन क्यों? और इसी उम्मीद में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है कि सुप्रीम कोर्ट 258 लाख करोड़ रुपए को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करे। और ये पिटीशन 6 महीने पहले फाइल हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है और सरकार को नोटिस दिया है। इस पिटीशन में जो एडवोकेट है हमारे वकील, उनका नाम है राम जेठमलानी, वो लड़ रहे हैं और उनके 10 और मित्र हैं और सरकार को नोटिस गया है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, वित्त मंत्री भारत सरकार प्रणब मुखर्जी को, कि जिन जिन का पैसा विदेशी बैंकों में है सरकार उसके बारे में सारी जानकारी कोर्ट को दे। अब सरकार के हाल खराब है, सरकार ये परेशानी में है कि जिनका पैसा है वही तो सरकार चला रहे। तो सरकार ने चालाकी किया, चालाकी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया कि हम ये जानकारी 6 महीने में देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है 6 महीने में माहिती दो, 6 महीने के बाद भी वो ये माहिती नहीं देने वाले ये हम जानते हैं, क्योंकि जो सरकार चला रहे वो माहिती क्यों नहीं, वो फिर और 6 महीने का टाइम मांगेंगे, फिर और 6 महीने का टाइम मांगेंगे, तब हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि ये तो माहिती देंगे नहीं, आप तो एक्स पार्टी जजमेंट कर दो कि ये जिसका भी धन है ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, बस बात खत्म हो गई। और फिर जिसको क्लेम करना है वो आए सुप्रीम कोर्ट में कहे ये मेरी संपत्ति, हाँ आगे तो कहे ना भाई का राम को आए तो सही, देश में से निकल के सुप्रीम कोर्ट के सामने कहे मेरी संपत्ति है तो हम उससे पूछ लेंगे तुम्हारे बाप दादों के पास क्या रहे हो, तुम्हारी संपत्ति आई कहां से, तुमने कौन से ऐसे सुरखाब के करते हैं जो इतनी संपत्ति बना के, प्रूफ करो ये तुम्हारी संपत्ति, और नहीं प्रूफ कर पाए तो देश की संपत्ति है तुम्हारी थोड़ी, तुमने लूटी थी, लूटी हुई संपत्ति अपनी थोड़ी होती है। मजा आएगा इस केस को लड़ने में, देखना आप थोड़े दिन में एक एक की पोल खुलेगी, या आप मुंह बंद करके बैठेंगे ये सारे लूट खोल लो, और या ये चिल्लाएंगे तो सबके चेहरे देश के सामने आएंगे, कौन बेईमान है कौन ईमानदार। हम जो ये केस लड़ने वाले हैं पूरी ताकत से, चाहे इसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे। दूसरा एक काम हम और करने वाले हैं कि हमारी जो संसद है ना, इस संसद में हम एक प्रस्ताव रखवाना चाहते हैं, एक खासदार ढूंढ रहे हैं पूरे देश में हम, और एक खासदार तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई तो माई का लाल अभी तक जिंदा होगा, ऐसा नहीं कि सब मर गए, सब बेईमान नहीं हो गए, कोई तो ईमानदार मिलेगा। उस खासदार से हम एक प्रस्ताव कराना चाहते हैं लोकसभा में। प्रस्ताव ये है कि 1947 15 अगस्त से लेकर आज तक जितने घोटाले भारत में हुए, जितना करप्शन हुआ, वो सारा धन राष्ट्र की संपत्ति है। ये प्रस्ताव संसद में आए तो सभी खासदारों को इस पर बहस करनी पड़ेगी। प्रस्ताव तो एक खासदार रखेगा, बहस सब करेंगे, बहस के समय हम देखेंगे कौन कौन बेईमान खासदार इसका अपोज कर रहा है, जो विरोध करेगा पक्की बात है उसी का बैंक में खाता है पैसे उसी के। तो हमारे सामने काम अच्छा होने वाला है।
और ये प्रस्ताव संसद में आया तो कई बार मुझे कोई लोग बोल रहे हैं कि डर के मारे बहुत सारे खासदार विरोध ही नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छा प्रस्ताव पास हो जाएगा, प्रस्ताव पास हुआ तो पैसा वापस आ जाएगा, हमको क्या करना, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू, या तो प्रस्ताव गिरेगा तो विरोध करने वाले खासदारों को पूरा देश देखेगा, और या तो प्रस्ताव पास होगा तो 258 लाख कोटी वापस आएगा। वी हैव नथिंग टू लूज, कुछ है ही नहीं हमें हारने के लिए, हम तो जीतने वाले हैं दोनों ही स्थिति। फिर कई लोग हमको ये कहते हैं कि राजीव भाई शायद एक खासदार भी ना मिले आपको ये प्रस्ताव रखने वाला, तो हम कहते हैं कि फिर 2014 में चुनाव आएंगे देश के, तो चुनाव में हम उतरेंगे, और परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी सारे देश के सामने इस बात के लिए अपील करेंगे कि एक खासदार हमको जिता कर दो जिससे हम संसद में ये प्रस्ताव पास कराएं, और सारा देश हो सकता है 543 खासदारों को जिता दे, हमको एक खासदार मांगेंगे पूरे देश से, और ये तो पक्का है कि गोवा को दे ही देगा, एक खासदार क्यों मुश्किल, क्या मुश्किल, गोवा तो दे ही देगा, और वो एक खासदार फिर प्रस्ताव रखेगा। और कई लोग तो कहते हैं कि अगर परम पूजनीय स्वामी जी ने अपील किया तो देश तो 543 खासदार भी दे सकता है, क्योंकि देश इस समय बहुत दुखी है। देश पता है क्या कहता है, वो कहता है एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ है, दोनों डस रहे हैं, हमको तो तीसरा चाहिए, सभी पार्टियों से लोग बेजार हो चुके, कहते सब एक जैसे हैं, ये भी लूटते हैं वो भी लूटते हैं, अब क्या करें। हम देश में एक अभियान चलाते हैं 100% वोटिंग का, 100% मतदान का, तो सब लोग मुझे ये कहते हैं कि कोई एक ईमानदार आदमी दो हम उसको 100% वोट करेंगे, हम बेईमानों को नहीं करना चाहते, तो देश तो हो सकता है 543 खासदारों को चुन के दे, और अगर ये खासदार चुनकर आवे तो एक मिनट में कानून बनाएंगे, 543 खासदार अगर एक साथ कहें तो स्विस बैंक का पैसा और विदेशी बैंकों का पैसा तो सब आ जाएगा 258 लाख करोड़, और ये पैसा आएगा तब हम इस पैसे का उपयोग करेंगे गांव में, भारत के 6,25,365 गांव है, हर गांव में 100 उद्योग लगाने हैं, 4 लाख गांव में कपास पैदा होती है तो खादी का उद्योग वहां चलाना है, 4 लाख गांव, 2.5 से 3 लाख गांव में ऊस पैदा होता है गन्ना, तो वहां पर काकड़ी का उद्योग चलवाना, गुड़ और काकड़ी, भारत के 3 लाख गांव में गेहूं पैदा होता है तो गेहूं के आटे का उद्योग हर गांव में चलाना है, करीब 3.5 लाख गांव में नारियल होता है, तिल होता है, सरसों होती है तो तेल का उद्योग गांव में चलाना है, करीब भारत में 2 लाख ऐसे गांव है, 2 लाख से ज्यादा है जहां आम पैदा होता है तो आम का पापड़ बनता है, आम का अचार बनता है, आम का मुरब्बा बनता है, आम की जेली बनती है, आम का जैम बनता है, आम का रस निकाल के पैकेट में बंद करके टेट्रा पैक में हम बेच सकते हैं, और हम तो ऐसी टेक्नोलॉजी इस देश में देखे हैं कि आम का रस खाली बोतल में भरे एक एक साल खराब नहीं होता, ये गांव गांव हम क्यों नहीं कर सकते, जहां आम है वहां ये सब हो सकता। फिर भारत में 1 लाख गांव में आंवला पैदा होता है, 1 लाख गांव में एलोवेरा पैदा होता है, आंवले के बहुत प्रोडक्ट्स बनते हैं, एलोवेरा के बहुत प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ऐसे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 100 से ज्यादा उद्योग हर गांव में लग सकते हैं, और इन उद्योगों में 65 करोड़ लोगों को काम मिलता है, 65 कोटि, तो बेरोजगारी तो एक बार में खत्म होती है, गरीबी भी खत्म होती है, और इस पूरे काम में इन्वेस्टमेंट चाहिए 10 लाख कोटि और हमारे पास है 258 लाख कोटि, आराम से करेंगे इन्वेस्ट। फिर बचे हुए पैसे उसमें 4 लाख कोटि और इन्वेस्ट करें तो हर गांव को 24 तास बिजली दे सकते हैं, बीच 7 लाख कोटि इन्वेस्ट करें तो हर गांव को सड़क मिलती है, 10 लाख कोटि इन्वेस्ट करें तो हर शेतकड़ी के क्षेत्र को पानी दे सकते हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं, करीब 8 लाख कोटि खर्च करें तो हर गांव को स्कूल कॉलेज मिलता है, अशिक्षा की समस्या खत्म होती है, 10-12 लाख कोटि इन्वेस्ट करें तो हर गांव को आयुर्वेद का हॉस्पिटल दे सकते हैं और योग प्राणायाम का केंद्र बना सकते हैं हर गांव,
और ये सब काम करने में 50 लाख कोटि खर्च होगा, कुल 50 लाख कोटि में भारत की सब समस्याओं का समाधान होगा, तब भी 208 लाख कोटि बचेगा। उसको क्या है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में उसको रख देंगे, 208 लाख कोटि का एक साल का ब्याज आएगा 20 लाख कोटि, और उस ब्याज से ही देश को चला लेंगे, टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे देश में, टैक्स सब खत्म। और टैक्स जब हम खत्म करेंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। मैंने कैलकुलेशन किया कि सारे टैक्स खत्म हो तो एक लीटर पेट्रोल 12 रुपए का मिलेगा, एक लीटर डीजल 7.80 रुपए का मिलेगा, एक रसोई गैस सिलेंडर 40 रुपए का मिलेगा, एक सीमेंट का 50 किलो का पैकेट 72 रुपए का मिलेगा, एक किलो आयरन 12 रुपए में। आपको अमेरिका जाना, अमेरिका से वापस आना, 7000 रुपए में आने जाने का टिकट हो जाएगा, टैक्स खत्म होने का, सब चीजें सस्ती तो महंगाई खत्म, और टैक्स खत्म तो आमदनी बढ़ेगी लोगों की, और इनकम टैक्स जब खत्म होगा ना तो सबसे बड़ी क्रांति होगी कि जितना ब्लैक मनी देश के अंदर छुपा हुआ पड़ा है वो सब बाहर आ जाए, और देश के अंदर 50 लाख कोटि का ब्लैक मनी है ये सब बाहर आएगा। और ये पैसा कहां जाएगा, या तो बैंक में डिपॉजिट होगा, या तो लोग इसको इंडस्ट्रीज और बिजनेस में लगाएंगे, या तो लोग इस पैसे को खर्च करेंगे, तीनों मामले में ये पैसा मार्केट में आएगा। और मार्केट में 50 लाख कोटि रुपए अगर घूम रहा है तो भारत को कटोरा लेकर भीख मांगने किसी देश के सामने जाना नहीं पड़ेगा, अपने ही पास इतनी पूंजी। और फिर क्या होगा, मैंने तो एक दिन कैलकुलेशन किया कि 20 लाख करोड़ का सालाना जो इंटरेस्ट आएगा ब्याज, 6 साल तक तो हम उसे इस्तेमाल कर पाएंगे विकास के लिए, 7वें साल से तो समझ में ही नहीं आएगा क्या करें इतने पैसे का, क्योंकि विकास तो पूरा हो जाएगा 6 साल में, फिर क्या करें, पैसे तो आने ही वाले हैं 20 लाख को भी हर साल। तो हमने कैलकुलेशन किया उसका कि ये पैसे को दूसरे देशों को दान करेंगे जहां गरीबी है, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, उन देशों में ये दान करके उनसे दोस्ती बढ़ाएंगे, और उन देशों से दोस्ती हो गई तो कभी भी वो देश हमारे काम आएंगे। हमारे पड़ोस में 4 दुश्मन रहते हैं, एक का नाम है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल। नेपाल भी अब दुश्मन हो गया हमारा, जब से वहां कम्युनिस्ट सरकार आई है नेपाल भी भारत को गाली देना शुरू कर दिया। इन 4 दुश्मन देशों का कभी भी धोखा हो सकता है, इसलिए दुनिया के 70-80 देशों को दोस्ती बनानी है, और अगर ये देश कोई धोखा देंगे तो वो सब देश हमारी मदद करेंगे। और हम जो देशों से दोस्ती बनाएंगे, ये सब वो देश हैं जिनको अंग्रेजों ने लूटा पिछले 500 साल, और ये देश अगर हमारे दोस्त हुए तो इन 70-80 देशों की तरफ से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक मुकदमा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, और उस मुकदमे में 300 लाख कोटि रुपए जो अंग्रेज ले गए वो वापस मांगेंगे ब्याज के साथ। उसके लिए हमें प्रमाण देना पड़ेगा, प्रमाण हमने काफी इकट्ठे कर लिए जो अंग्रेज लूट के ले गए। कोहिनूर हीरा हमारा अभी भी अंग्रेजों के पास है, कोहिनूर जैसे 4,500 हीरे अंग्रेजों के पास है, सोमनाथ के मंदिर का सोने का दरवाजा था वो अंग्रेजों के म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है। पहले सोमनाथ को लूटा महमूद गजनवी ने, बाद में महमूद गजनवी को लूटा अंग्रेजों ने, तो सोमनाथ मंदिर की सारी संपत्ति इस समय लंदन में है। आप कभी लंदन जाए तो लंदन के म्यूजियम्स को देखिए, भारत की संपत्ति से भरे पड़े, ये सब वापस लाना है, और इसके लिए दूसरे देशों से मदद चाहिए, वो मदद हमें मिलेगी अगर हम उनकी मदद करेंगे। और ये अंग्रेजों से जो 300 लाख कोटि इंटरेस्ट के साथ हम लाएंगे, तो इंटरेस्ट अगर आप जोड़ें 63 साल का ही जोड़ें आजादी के बाद का, या तो उस दिन से जोड़ें जिस दिन इसके लिए कंपनी भारत आई थी, तो ये सारा धन 700 लाख कोटि से ज्यादा है, और इस पूरे धन को सोने के रूप में लाएंगे हम, गोल्ड में लाएंगे,
और इतना सब गोल्ड लाके भारत में डिपॉजिट अगर कर दिया हमने तो भारत की संपत्ति बढ़ जाएगी, भारत की संपत्ति बढ़ेगी तो भारत के रुपए की कीमत बढ़ेगी। अभी एक डॉलर में 48 रुपए है, फिर एक डॉलर में एक रुपया हो जाएगा, और एक डॉलर एक रुपया हुआ तो जितना एक्सपोर्ट अभी हम करते हैं वो एक्सपोर्ट से जितनी आमदनी होती है वो 50 फट जास्ती हो जाएगी आमदनी, एक्सपोर्ट इनकम 50 गुनी ज्यादा होगी, इंपोर्ट का खर्चा 50 गुना कम होगा, तो हमारे पास इतना ट्रेड सरप्लस होगा कि चीन और अमेरिका भी हमसे पीछे रह जाए, हम उसके भी आगे निकल जाए। और चीन अमेरिका से आगे निकल गए अगर हम तो सारे दुनिया के फिर विश्वगुरु हम बनेंगे। भूतकाल में भारत विश्वगुरु था, भविष्य में भी बनेगा, वो भारत का वर्तमान ठीक कर रहा है। ये योजना है भारत स्वाभिमान, इस योजना में आपकी मदद चाहिए और आपकी मदद के बिना ये नहीं होने वाला, क्योंकि भारत में कोई भी काम जो होता है ना वो बहुमत से होता है, बहुमत जिसके साथ होता है काम उसी का होता है इस देश में, अच्छा काम हो या बुरा काम बहुमत के बिना नहीं होता। तो संसद में बहुमत चाहिए, समाज में भी हमें बहुमत चाहिए, और बहुमत हमें मिले इसके लिए हमने मेंबरशिप का अभियान शुरू किया है। भारत के एक एक गांव से हम मेंबर बना रहे हैं, 5 करोड़ नागरिकों को मेंबर बनाना है 4 वर्षों में, और ये 5 करोड़ नागरिक जब तक को मेंबर बनाएंगे तो 50 करोड़ लोग हमारे साथ हो जाएंगे, और इतनी बड़ी ताकत अगर हमने खड़ी की तो भारत की संसद में 400 से ज्यादा खासदार हमारे होंगे, और भारत के 23 राज्यों की विधानसभाओं में 4000 से ज्यादा आमदार हमारे होंगे, हम तो कुछ भी कर पाएंगे फिर इस देश। हमने अंग्रेजों के जमाने के कानून भी बदलने हैं, 34,735 अंग्रेजों के कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एम्बुलेंस एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये सब कानून भी बदलने, ये सब काम करना है, और इसी काम के लिए भारत स्वाभिमान है। भारत स्वाभिमान को आपकी मदद चाहिए, आप इसके मेंबर हो जाइए, यहां से मदद हमें चाहिए, आप मेंबर बनिए। मेंबर होने के लिए एक फॉर्म मिलता है, वो यहाँ स्टॉल से आप ले लीजिए, फॉर्म घर ले जाइए, उसको नाम पता फोन नंबर भर के हमें वापस दे दीजिए, और जब आप फॉर्म वापस करेंगे तो आपसे 51 रुपए की दान राशि चाहिए भारत स्वाभिमान के, जो आप फंड देंगे 51 रुपए का, उसी से हमें ये लड़ाई लड़नी है। हमने एक संकल्प लिया है कि किसी करोड़पति आदमी से 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ नहीं लेंगे, भारत के एक एक व्यक्ति से 10-10 रुपए 20-20 रुपए 50-50 रुपए लेंगे। 10 करोड़ किसी से हम लें उससे अच्छा है 1 करोड़ क्षेत्रीय नागरिकों से 10-10 रुपए लें, 50 करोड़ हम किसी से लें उससे अच्छा है 5 करोड़ नागरिकों से 10-10 रुपए लें। क्यों? जो हमें 10-20-50 करोड़ देगा उसका पैसा ईमानदारी का है बेईमानी का है पता ही नहीं, और अगर वो पैसा बेईमानी का हुआ तो हमको भी बेईमान बनाएगा, क्योंकि बेईमानी का पैसा बेईमान ही बनाता है, ईमानदारी का पैसा ईमानदारी लाता है। तो गरीब है शेतकरी मजदूर कारीगर उनसे लेना है पैसा और उस पैसे से बनाना है इस देश को, क्योंकि ये देश करोड़ों नागरिकों का है, कुछ कोटिपति लोगों का नहीं। इसलिए गांव गांव जा रहे हैं हम लोग, क्षेत्रीय नागरिक को 1.5 रुपए का मेंबर बनाते हैं, शहर में रहने वालों को 51 रुपए का मेंबर बनाते हैं। तो आप मेंबरशिप लें, रसीद ले लें और दान की राशि हमें दें, इसी दान से ये सारी लड़ाई लड़नी है, और हमें उम्मीद है कि आप जरूर मदद करेंगे। और ये मदद आप क्यों करेंगे? इसलिए कि आपके दिल में भी यही आग है जो हमारे दिल में है, देश को अच्छा होना चाहिए, देश को समृद्धशाली होना चाहिए, गरीबी मिटनी चाहिए, बेरोजगारी मिटनी चाहिए, भुखमरी मिटनी चाहिए, ये आप भी सोचते हैं हम भी सोचते हैं, नहीं तो आप इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे? 2.5 घंटे से मैं व्याख्यान दे रहा हूँ, यहाँ कोई नाच गाना नहीं हो रहा है, फिर भी आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपके दिल में भी तड़प है देश के लिए, आपके दिल में भी कुछ करने की तमन्ना। और ये क्यों है?
मैं बहुत गहरी बात आपसे कहना चाहता हूं, शायद ये इसलिए है आपके दिल में तड़प देश के लिए कि आप सबकी जो आत्मा है वो पुराने जमाने के शहीदों की आत्मा है जो इस शरीर में प्रवेश की है, तभी तो आप ये सब इकट्ठे हो। पहले हम इकट्ठे हुए थे नाना साहब पेशवा के साथ, तात्या टोपे के साथ, नाना फर्नवीस के साथ, वासुदेव बलवंत फड़के के साथ, चातेकर बंधुओं के साथ, भगत सिंह उधम सिंह के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ, और अब फिर इकट्ठे हो रहे हैं स्वामी रामदेव के साथ। हैं हम सब वही लोग, क्योंकि हम तो मानते हैं ना आत्मा नहीं मरती, शरीर बदलता है। उस समय में हमारी आत्मा यही होगी, भगत सिंह की, उधम सिंह की, चंद्रशेखर की, कित्तूर चेन्नम्मा की, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की। अब वही आत्मा वापस आई है शरीर में, तभी हम एकत्रित हो रहे हैं। और अब हम एकत्रित हो रहे हैं अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। पहले हम एकत्रित हुए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, अब एकत्रित हो रहे हैं काले अंग्रेजों को भगाने। हमारा काम अधूरा है, पूरा करना है। और अच्छी बात यह है कि इस बार एक सन्यासी ने हमको एकत्रित किया है। और भारत में सन्यासी लोग जब संकल्प लेते हैं तो भगवान भी वो संकल्प पूरे कराता है। हमारे भारत में एक सन्यासी हुए, उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने एक संकल्प किया था, औरंगजेब का राज्य समाप्त करना है दक्षिण भारत से। और ये संकल्प पूरा होने के लिए भगवान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा किया, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने समर्थ गुरु रामदास का संकल्प पूरा करने के लिए हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी और दक्षिण भारत से औरंगजेब को खत्म कर दिया। और आपको मालूम है औरंगजेब का शासन जब दक्षिण भारत से समाप्त हुआ तो थोड़े दिन के बाद ही औरंगजेब मर गया था, और उसके बाद पूरे देश से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। सन्यासी का संकल्प इतना बड़ा होता। एक सन्यासी हुए स्वामी रामतीर्थ, लातूर के पास एक गांव में पैदा हुए। उन्होंने संकल्प लिया था, संकल्प ये था कि हैदराबाद का जो राज्य है वो भारत में मिलाना है, और हैदराबाद का निजाम ये कहता था मुझे पाकिस्तान जाना। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा तुम पाकिस्तान जाओ, राज्य तो भारत में रहेगा। और स्वामी रामतीर्थ के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देश में भेज दिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद राज्य को भारत में मिला दिया। ऐसे ही हमारे देश में एक सन्यासी हुए परम सम्माननीय दयानंद सरस्वती, और उनके दिल में आग थी कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है और इनको भारत से भगाने के लिए कोई संगठन बनाना है। तो भगवान ने स्वामी दयानंद सरस्वती के इतने सारे शिष्य तैयार किए कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर डाली। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, ये सब स्वामी दयानंद के शिष्य थे। और इन्होंने आजादी की लड़ाई इतनी जोरदार लड़ी कि 47 में भारत आजाद हो गया। सन्यासी जब संकल्प लेता है तो ईश्वर भी वो संकल्प को पूरा कराता है, क्योंकि सन्यासी का अपना स्वार्थ कुछ नहीं होता है, वो जो संकल्प लेता है देश के लिए लेता है। तो अभी उसी सन्यास परंपरा में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने संकल्प लिया है कि भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को समृद्धशाली बनाना, वैभवशाली बनाना, फिर से सोने की चिड़िया बनाना, गरीबी भूखमरी बेकारी भारत से हटानी है, 258 लाख कोटि विदेशी बैंकों से भारत में वापस लाना है, अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलने हैं, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति बदलनी है, सब कुछ बदलना है। अब इस संकल्प को पूरा कराने के लिए भगवान ने 2,40,000 योग शिक्षकों को तो अब तक भेज दिया है, 11 लाख योग शिक्षक अगले 2 साल में आने वाले हैं। संकल्प तो ये भी पूरा ही होगा। आप इसमें आ जाएं तो जल्दी होगा, नहीं आएंगे फिर भी होगा, आपके बिना होगा, कोई दूसरा आएगा, संकल्प तो होने वाला। आप आएंगे तो यश आपको मिलेगा, नहीं आएंगे दूसरा व्यक्ति यश लेगा। सन्यासी को तो यश से कुछ लेना देना होता नहीं,
यश तो उनको मिलता है जो सन्यासी के साथ काम करते हैं, क्योंकि सन्यासी जो होता है ना, यश अपयश से परे होता है, मान सम्मान से परे होता है, हानि लाभ से परे होता है, सत्ता सिंहासन से परे होता है। सन्यासी को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो तो निस्वार्थ भाव से देश के लिए होता है। तो यश तो सन्यासी लेता नहीं, वो तो बांटता है। तो यश तो आपको ही मिलेगा, आप आ जाओ जल्दी से, नहीं तो कोई और आ जाएगा। और आप अगर आओगे तो भविष्य में आपके बच्चे आपसे कहेंगे गर्व से कि भारत स्वाभिमान का गलत हुआ, मेरे आई बाबा ने उसमें भाग लिया। और नहीं आओगे तो यही बच्चे गाली देंगे आपको भविष्य में कि इतना बड़ा गलत चला और तुमने कुछ नहीं किया। तो अपने बच्चों की आंखों में आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए मेरी विनती है आप आ जाओ जल्दी से, भारत स्वाभिमान में मेंबर हो जाओ, 10-10 और लोगों को मेंबर बनाओ, जल्दी से 5 कोटि की संख्या पूरी हो, तो हम सब मिलकर एक नया भारत, समृद्ध भारत, वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, सारी दुनिया का गुरु भारत, ऐसा भारत बनाएंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे कि भारत भूतकाल में विश्व गुरु था, भविष्य में भी होगा, बस वर्तमान इसका ठीक हो। यही कहकर आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि फॉर्म लेके जाइएगा, मेंबरशिप के फॉर्म यहाँ रखे हुए हैं भरपूर संख्या में। और आप जब जाएं यहाँ से तो हमारे भारत स्वाभिमान के कई कार्यकर्ता खादी बनाते हैं, सूती वस्त्र बनाते हैं, उसका भी इधर स्टॉल है। आप थोड़ी थोड़ी खादी अगर इनसे खरीदेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार मिला हुआ है। कई कार्यकर्ता चरखा चलाते हैं, सूत बनाते हैं, फिर खादी बुनते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी खादी पैदा करके और खादी बिकवा के, वैसे ही नई आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये खादी के उत्पादन से। तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिले, आप उनकी 2-2, 5-5 मीटर खादी खरीदें, उनका स्टॉल है, और मेंबरशिप के फॉर्म लेके जाएं। ये निवेदन के साथ आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा भारत माता की, आप सबको लेके जाए, भारत माता की।